इस वक्त मैं करगिल वॉर मेमोरियल में हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो तोलोलिंग की पहाड़ियां हैं, तोलोलिंग हिल्स। यहाँ एक भीषण लड़ाई लड़ी गई थी, बहुत सी जगह पे भीषण लड़ाई लड़ी गई थी 1999 में, जब पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ किया था और भारत के इलाके में आ गई थी। उसके बाद करीब 2 महीने तक करगिल का युद्ध चला और भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया। 26 जुलाई का वो दिन है जिस दिन भारत करगिल विजय दिवस मनाता है, और इस बार का विजय दिवस इसलिए खास है क्योंकि ये 25वां इसकी जयंती है, यानी ये रजत जयंती है। तो इस कार्यक्रम में 26 जुलाई को जब विजय दिवस मनाया जाएगा, उसके कार्यक्रम यहाँ करगिल वॉर मेमोरियल में होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसमें मौजूद रहेंगे, आर्मी चीफ उसमें रहेंगे, CDS उसमें रहेंगे। तो पूरा देश उस वक्त करगिल की जीत का जश्न मना रहा होगा। करगिल की जीत इसलिए भी अहम है क्योंकि इस युद्ध के बाद भारत की मिलिट्री का पूरी रणनीति और पूरी तैयारी करने का तरीका ही बदल गया। जब करगिल युद्ध हुआ उससे पहले, यानी 1999 से पहले, ये माना जाता था कि दुश्मन अगर अटैक करेगा तो उन पॉइंट्स पे करेगा जो काफ़ी अहम है, उनका कुछ महत्व है। और दूसरी बात ये मानी जाती थी कि दुश्मन उस जगह से आएगा जहाँ से आने का रास्ता है, बहुत प्रॉपर ट्रैक है। क्योंकि अब उस समय तक की जो सीख थी, जो दुनिया भर में लड़ाइयाँ हुई थी, जो युद्ध हुए थे, उन सब से यही सीख मिली थी। उसी तरह से भारत की सेना भी अपनी तैयारी करती थी, अपनी रणनीति बनाती थी। अगर मैं उस वक्त की बात करूँ 1999 में, उस समय जो करगिल की ब्रिगेड थी उसमें 4 बटालियन थी, और वो इस तरीके से तैनात थी जहाँ पे फूड ट्रैक हैं यानी पैदल चल के आ सकते हैं, एनिमल ट्रैक है यानी कि एनिमल से वहाँ आया जा सकता है, या फिर क्लास नाइन का मतलब होता है कि 9 टन का कोई भी वाहन वहाँ से आ सकता है। तो डिप्लॉयमेंट इस तरीके से थी, और क्योंकि ये माना जा रहा था कि जहाँ ट्रैक नहीं है वहाँ से दुश्मन नहीं आएगा। लेकिन पाकिस्तान ने यही किया। जब 1998 के सर्दियों में जो विंटर की पोस्ट होती है, उस समय तक ये होता था कि जो बहुत ही ऊंचाई पर भारतीय सेना की पोस्ट होती थी वो सर्दियों में खाली हो जाती थी, सैनिक नीचे आ जाते थे। यही पाकिस्तान भी करता रहा था और यही एक रूल था, लेकिन पाकिस्तान ने इसको तोड़ा और पाकिस्तान ने उस जगह पर आकर कब्जा किया, उस पोस्ट पर जो भारतीय सेना ने उस सर्दियों में खाली की थी। तो 1999 के बाद रणनीति बदली, सोच बदली कि दुश्मन कहीं भी अटैक कर सकता है, क्योंकि वो जगह अनहेल्ड जगह थी जहां दुश्मन आया था, पाकिस्तानी सैनिक आए थे, दूसरा ट्रैक से ही आएगा, ये सोच भी बदली। और सोच बदली तो रणनीति भी अब उसी हिसाब से बनने लगी है। इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार सुधर रहा है। करगिल युद्ध के बाद करगिल रिव्यू कमेटी भी बनी थी जिसने कई सिफारिशें की थी, CDS का पद भी उनमें से एक था। तो उसकी लगभग सारी सिफारिशें लागू कर दी गई हैं, सारी सिफारिशें मान ली गई हैं। तो करगिल युद्ध को इस लिहाज से हम अहम कह सकते हैं कि मिलिट्री की पूरी रणनीति सोचने का नज़रिया बदला, इंफ्रास्ट्रक्चर बदला। और अब 25 साल बाद अगर हम मुड़ कर देखें उस वक्त और अब में बहुत फ़र्क है। हमारी सेना उस वक्त भी मजबूत थी। उस समय की जो लड़ाई थी वो पाकिस्तान ने खुद माना कि वो बहुत ही ऐसी लड़ाई थी कि जो जीती नहीं जा सकती थी भारतीय सेना के लिए, लेकिन उस कठिन लड़ाई को भी भारतीय सैनिकों ने जीता, क्योंकि जो दुश्मन था वो चोटियों पर था और भारतीय सैनिक नीचे थे। उन्होंने इस कठिन स्थिति में, विषम परिस्थितियों में इस जंग को जीता था। तो भारतीय सेना लगातार मजबूत हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार मजबूत हो रहा है, और 26 जुलाई को हम करगिल विजय दिवस मनाएंगे। पूनम पांडे, करगिल से नवभारत टाइम्स के लिए।